आज डिस्कस करेंगे कि मथुरा में जो वेटनरी कॉलेज है इसमें एडमिशन का काउंसलिंग कैसे होगा। इसमें थोड़ा हिंदी वर्जन में है तो मेरे को टिपिकल हो रहा था कि कैसे समझा जाए। चलता है, ये आपको अलर्ट करना है, ठीक है। देखिए, पहले से इसमें नोटिस आया हुआ है इसमें कि कृपया ध्यान दें, काउंसलिंग हेतु अनुदेश में मांगे गए मूल प्रमाण पत्रों के आधार में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। इसमें कुछ कुछ पत्र मांगेगा जो नीचे मेंशन है, ये सब यदि नहीं रहा, मतलब डॉक्यूमेंट, ये सब डायरेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो हो सकता है कि आपको एडमिशन लेने में वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका डेट एग्ज़ाम का टाइमिंग सब दे रखा है, 21 को है। इसके पहले आपको डॉक्यूमेंट थोड़ी सी रेडी कर लेनी है। BBSC एंड एनिमल साइंस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग दिनांक 21/8/2023 को प्रातः 9 बजे विश्वविद्यालय के, ध्यान रहे, 9 बजे प्रातः मतलब सुबह या शाम, प्रातः मतलब क्या होता है, मॉर्निंग टाइम, ठीक है। तो मॉर्निंग में आपको 9 बजे तक, 9 बजे पहुँच जाना है, तक नहीं, 9 बजे समझ आओ पहुँच जाना है, ठीक है। काउंसलिंग 21/7/2023 को प्रातः 9 बजे विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विद्यालय विज्ञान महाविद्यालय के मुख्य भवन में आयोजित किया जाएगा। समझ जाओ, बहुत यहाँ पे लोचा वर्ड लिखा है बॉस, ठीक है ना। पहले ये डेट को होने वाला है, ये तो किसी को डाउट नहीं, 9 बजे मॉर्निंग में, शाम में नहीं, ठीक है, AM में आपको कहाँ जाना है, कहाँ पर काउंसलिंग होने वाला है, ये जो पशु चिकित्सा विद्यालय महाविद्यालय जो प्रमुख भवन है वहाँ पे आयोजित होगा, डैट इज़ ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होने वाला, ठीक है। काउंसलिंग शुल्क कितना लगेगा, काउंसलिंग का पैसा रजिस्ट्रेशन का 200 रुपया प्रति छात्र देना होगा, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को 200 रुपया देना ही होगा। यदि आप निर्धारित तिथि और समय, ध्यान रहे, तिथि 21 अगस्त को 9 बजे मॉर्निंग में स्थान पर नहीं होंगे तो यह समझा जाएगा कि आप प्रवेश लेने के इच्छुक नहीं हैं, ये ध्यान रहे भाई, ठीक है ना। इंग्लिश वर्ड में थोड़ा नहीं रखा, हिंदी में थोड़ा स्टप हो रहा है। यहाँ पे लिखा है कि यदि आप निर्धारित तिथि, निर्धारित तिथि क्या है, 21 अगस्त, और समय 9 बजे मॉर्निंग में यदि उपस्थित नहीं है, ठीक है, समझाई की बात नहीं, तो ऑफलाइन हो रही है, नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि आप काउंसलिंग लेने के लिए इच्छुक नहीं है। यात्रा में होने वाले विलंब, यदि आप सपोज दैट कि आप 21 अगस्त को 9 बजे नहीं पहुँचे, इसमें विलंब हो गया, तो उसका जिम्मेदारी तेरी होगी, स्वयं की होगी, ठीक है। इसमें किसी का कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कॉलेज का, यूनिवर्सिटी में, कि मैं लेट हो गई, मेरा ट्रेन ये था, फलना टिसना टिसका, ठीक है, इसे यहाँ पे लिखा है क्लियर कट से। अतः काउंसलिंग से एक दिन पूर्व, समझो काउंसलिंग के एक दिन पहले ही पहुँचने बोल रखा है कि मथुरा पहुँचना है और सुनिश्चित कर लेना है कहाँ पर काउंसलिंग होने वाला है, ठीक है। काउंसलिंग के दौरान फ्री फी, ठीक है, पेमेंट सीट पर UPII जो मेंस का जो प्रमुख एग्जाम हुआ था उसके मैट्रिक्स पे चयन, अच्छा, आधार पर चयन की कार्यवाही कर प्रवेश दिया जाएगा। समझ रहे हो किस पे होगा, कौन सा एग्जाम, मेंस वाला जो एग्जाम हुआ था, विवेक मेंस प्रमुख वाला, ठीक है, मेंस प्री वाला के बेसिस पे नहीं हो रहा। प्रवेश के समय आपको निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल में तथा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन के साथ प्रमाण पत्रों को छाया प्रति का एक सेट लाना है। एप्लीकेशन फॉर जो आपने किसका, एप्लीकेशन फॉर किसका, देखो ये क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ भी एप्लीकेशन फॉर भरा जाएगा, ठीक है, बट ऑफलाइन, ठीक है। चलिए, इसका एप्लीकेशन फॉर नीचे दिया गया है, यहाँ नीचे दिया गया है, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे यही है एडमिशन का, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर ऑफलाइन हो रहा है काउंसलिंग के लिए, ऑनलाइन नहीं हो रहा, ठीक है। आपको ये, आपको साइबर कैफे में जाना है, ये पेज आपको लिखा लेनी है, और इसमें जो जो चीज़ें पूछ रही है सारे कैपिटल में डालना है, वहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कलर फोटो चिपकाना है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेंशन है, हर एक चीज़ यहाँ पे फिलफिल करनी है, ठीक है। कोई चीज़ें तो टॉप टॉप टू नहीं है, पहले के कैंडिडेट का नाम, ठीक है, ब्लॉक लेटर, बड़े लेटर में और हिंदी में लेटर में नाम लिखना है आपको, नेशनलिटी, आधार नंबर, नेम ऑफ फादर एंड एड्रेस कहाँ पे है आपका, नेम ऑफ गार्जियन एंड एड्रेस विद द ऑप्शनल ओनली इन द फादर नॉट अलाइव, यदि आपके पिताजी सर्वाइव नहीं है तो चीज़ें भर सकते हैं। मेलिंग एंड पोस्टिंग एड्रेस सब कहाँ पे हैं, एड्रेस, ईमेल दे सकते हैं, मोबाइल नंबर देना है आपको, परमानेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, एज, ईयर, मंथ, डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिखना है, एग्जामिनेशन पास्ट कब किए हैं, कौन सा ईयर में, हाई स्कूल कब पास किए हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, अच्छा पास्ट कि आप जो स्कूल टेंथ का, हाई स्कूल में टेंथ का जो एग्ज़ाम दिए थे कब पास हुए हैं वो लिखना है, पासिंग ईयर, नेम, नेम लिखना है, डिवीजन कौन सा आया था, मैक्सिमम मार्क्स कितना का था, कितना आया है, और ए पे नंबर ऑफ अटैम्प कितने अटैम्प में क्लियर किया है, सारे का है, इंटरमीडिएट 12 का भी पूछ रहा है, अंडर ग्रेजुएट जैसे पोस्ट ग्रेजुएट जो आपके लेवल पे हैं आप सब भर सकते हैं। इन यहाँ पे कुछ दे रखा है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड 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 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखा है, कुछ डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सिग्नेचर देगा इन इंग्लिश में, प्लेस, डेट, सारे चीज़ यहाँ पे लेनी है, यही था एप्लीकेशन फॉर, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट निकाल लेनी है, कहाँ पे, साइबर कैफे में जाएंगे तो ये पेज आपको दे देना भाई, ये पेज कहाँ से आया, ये PDF फॉर्म में है वेबसाइट पे, आपको दिखा देते हैं कैसे निकालना है, ठीक है। गूगल पे जाइए और ये सर्च करना है DUBASU,
मथुरा, ठीक है, पहला वेबसाइट पर आ जाएगा यही, जो कॉलेज का मेन वेबसाइट है काउंसलिंग का, ठीक है, एडवांस मथुरा, ठीक है, इस पर जाएंगे, उस पर क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करिए, देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे नीचे आया है काउंसलिंग BBSC कोर्स, आगे बढ़ गया, फिर से आपको पीछे जाना है ताकि आपको दिखा सकें, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे अच्छा लिखा है ये वाला, इस पर क्लिक करना है, ठीक है, बहुत फास्ट मूव करता है, वो क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं फिर से पीछे बाइक जाता हूँ और उस पर क्लिक करता हूँ और मेरा PDF डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, यही वाला है ना, ठीक है, देखो मेरा डाउनलोडेड है इसीलिए, अरे यार मेरे डाउनलोडेड है, ओके, तो डाउनलोडेड है, आपको डाउनलोड कर लेना है और पढ़ना इसी में डॉक्यूमेंट में होगा, तो मेरा डाउनलोडेड है, मेरे पे जाता हूँ डाउनलोड ऑप्शन पे, ओके, ये मेरा डाउनलोड है, तो वही चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ यार। सबलिकेशन फॉर्म देख लिया, आपको ऑफलाइन फिलअप करना है, फोटो लगना है, चिपकाना है, और जो जो चीज़ें पूछ रही है सारी चीज़ें क्लियर करके से भरना है, यदि नहीं आता है इसको छोड़ देना है, वहाँ पर जाकर क्लियर करके से भर सकते हो, ठीक है। अब देखो मेन चीज़ें उतर था भाई, यहाँ क्या चीज़ें थी, तो इसमें देखो भाई यहाँ पे कुछ चीज़ें बोला था, पहले ध्यान दें कि कुल प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, जो वहाँ बोल रहा है भाई कुछ कुछ यहाँ पे प्रमाण पत्र की, प्रमाण पत्रों की ज़रूरत है, यदि आप सब प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपको प्रवेश में जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें वंचित कर दिया जाएगा, मतलब आपको एडमिशन नहीं लेना देगा, इसलिए डॉक्यूमेंट कुछ कुछ रेडी करना, क्या क्या लगेगा थोड़ा ठीक था। प्रवेश के समय जब आप एंट्री होगा तो ये प्रमाण पत्र के साथ कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको डॉक्यूमेंट अभी दिखाए थे उसको लिखा लेना है और भर लेना है, ठीक है, जो नीचे दिया गया था। प्रवेश प्रारूप को स्पष्ट बड़े अक्षरों पे कैपिटल लेटर में भरना है, भर के प्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाना है के साथ लावें, और प्रारूप के साथ मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रतिक्रिया स्वयं संलग्न करें। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, अच्छा यानी अंक पत्र, जो 10th का एग्जाम हुआ था उसका जो एडमिट कार्ड है और उसका जो मार्कशीट है वो लगेगा, इंटरमीडिएट का भी सेम, एडमिट कार्ड और मार्कशीट लगेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, 6 महीना से अधिक पुराना नहीं हो करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा जो 6 महीना से ज़्यादा पुराना ना हो, यदि पुराना हो गया तो उसको बना लेना, आधार कार्ड लगेगा उसका, मेन जो एग्ज़ाम हुआ था उसका UPSC का मेंस का जो रिजल्ट आया था, एंड परीक्षा का प्रवेश पत्र लाना है उस विद्यालय जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा पाई है, जैसे 12th के बाद कोई एडमिशन नहीं लिए हैं, नहीं लिए होंगे, यदि आप ले लिए हैं तो आई है कि आपका अंतिम जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज का स्थान ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय प्रेजेंट, समझ रहे हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी लाओ, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट कोई भी ले जाओ चलेगा। यदि आप अनुसूचित जनजाति SC ST हैं या पिछड़ी हैं OBC हैं, अनुरूप कमजोर वर्ग के उपयंत, अच्छा आप यदि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जिस भी कैटेगरी में SC हैं OBC हैं SC हैं जो भी रिजर्व कैटेगरी में आता है उसका प्रमाण पत्र, मतलब उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ओके, यदि आपके अध्ययन काल में कोई गैप हो गया हो, गैप हो गया, जैसे गैप सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे ड्रॉप आउट 12th के बाद डायरेक्ट, अभी जैसे सपोज 2023 में ही आप 12th एग्जाम दिए और ये भी एग्जाम देके क्लियर हो गया तो ड्रॉप नहीं हुए, सपोज इस साल 12th मेरा हुआ, 2024 में इस एग्जाम में मेरा क्लियर होता तो एक साल का ड्रॉप हो गया, तो इस तरह का यदि ड्रॉप है, यदि ड्रॉप नहीं है तो नहीं लगेगा, यदि ड्रॉप है तो उसको कहते हैं गैप सर्टिफिकेट, तो ये गैप सर्टिफिकेट आपको लगेगा, कैसे बनेगा ये चीज़ें यहाँ पे बोलता है, आप कोर्ट जाएंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट होगा, वहाँ पे नोटरी बैठा हुआ रहता है, बोलना भाई हमको गैप सर्टिफिकेट बनाना है, वहाँ वकील लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, वो बना देंगे, ये कुछ चार्ज लेंगे, मेरे को 500 के आसपास लग गया था सारी चीज़ें लेके, आने जाने का सब लेके। उत्तर प्रदेश का मुख्य प्रवासी, अच्छा यदि आप UP वाले हैं तो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी लाना है। यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, मतलब वही यदि आप विकलांग हैं, ठीक है ना, फिजिकल हैंडीकैप पर्सन, तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। पिता संरक्षण नियम के, अच्छा इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है ना भाई, ध्यान रहे इनकम सर्टिफिकेट, थोड़ा सा हिंदी वर्ड में लिख दिया तो टॉप होता है, बट हाँ सेंस समझ में आता है क्या पूछ रहा है। प्रोस्पेक्टस ऑफ GG क्या है, अंतिम प्रारूप का अलग अलग 10 रुपये के शपथ पत्र पर पब्लिक नोटरी के द्वारा सत्यापित होना चाहिए, एनेक्सर GGABH, अच्छा काउंसलिंग के समय साथ लाएँ, इसको क्या है एलेक्जेंडर GGG, चलो भाई यहाँ पे नीचे दिया, जरूर दिया होगा, ये कुछ बोल रहा है इसका नीचे कुछ ना कुछ ये दिया होगा, SC एनजाटी जाट हैं भाई, देखो एलेक्जेंडर ए, यदि आप SC हैं तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट, यदि ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन ऐसे बनाना है, इसे भर लेना है, और किसका सिग्नेचर चाहिए, किसका पोस्ट ऑफिस सामान लिखा है, ठीक है, यदि OBC हैं तो उसका भी दे रखा है, यदि ऑफलाइन होता है अलग बनता है, ऑनलाइन अलग बनता है, ठीक है, ये है एलेक्जेंडर सी है ना, यहाँ क्या बोल रखा है भाई, ओ यार क्या चल जाता है, कितना आगे पीछे लिखा ही है ना, यहाँ पे है एनेजर जी, अच्छा जी से है, GAB और H तक है, चलो भाई ये समय आपको सब वहाँ बन जाएगा भाई, कहाँ पे जाको जाना है डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी पड़ता है वहाँ कोर्ट जाना है, ये सब डॉक्यूमेंट निकाल लेनी है, उसमें जस्ट क्या बोलते हैं नोटरी का स्टाम्प पेपर लगेगा, उस पैसा 10 रुपये का लिखा है ना उसका, ये ले जी, ये एफिडेविट बाय स्टूडेंट, ठीक है, इसको आपको भर इसमें फिलअप कर लेना है और नोटरी से स्टाम्प पेपर में वेरीफिकेशन का मतलब अपना स्टाम्प पेपर से वो सिग्नेचर कर देगा, वेरीफाई कर लेगा,
कि हाँ चलो भाई ये सर्टिफिकेट आपको जरूरत होगी। कहाँ बनेगा जैसे हिंदी मीडियम ए है, जितना भी है बी सारे को भरना है आपको, ए जी जी ए जी जी ए जी बी। अब चार्ज तो अच्छा लगेगा भाई, इतना सारा डॉक्यूमेंट बनाओगे, नोटरी तो अच्छा चार्ज करेगा। ठीक है, पेरेंट का, बाय द पेरेंट, ये पेरेंट के द्वारा चाहिए। ठीक है, पेरेंट का नाम जो भी लगेगा यहाँ पर पढ़ लेना भाई। ठीक है, और कुछ कुछ है कि नेक्स्ट 14 सर्टिफिकेट क्या है भाई, प्रवेक्षित अभी वहाँ पर इतना फिर वो हिंदी लिखा है ना बॉस, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये द्वारा प्रोस्पेक्टस। अच्छा, द्वारा अभी अभ्यर्थी द्वारा प्रोस्पेक्टस में दर्शित प्रवेश शुल्क एवं अन्य मदों में जमा की गई धनराशि किसी भी दशा में प्रवेक्षित छात्र का विश्वविद्यालय द्वारा वापसी नहीं की जाएगी। क्या मतलब, डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो आपको प्रवेश में वंचित कर दिया जाएगा भाई, आप काउंसिलिंग में एप्लीकेशन में काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अभाव में आप काउंसिलिंग से वंचित कर दिया जाएगा, फिर वही चीज़ लिख रहा है। साथ ही आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त प्रमाण पत्र वास्तविक और सत्य हो। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट लाया सारा सत्य हो, कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी। समझ रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट देगा वो कहीं ना कहीं वो जांच करता है कि भाई ये सच में डॉक्यूमेंट सही है गलत है। यदि आपके द्वारा प्रमाण जो भी प्रमाण है रद्द किया जाएगा, कहीं फर्जी पाया गया तो आपका काउंसलिंग रद्द किया जाएगा और आप पे कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त अभिलेखों एवं आपकी शारीरिक जांच रिपोर्ट उपयुक्त पाए जाने पर आपके प्रवेश पर विचार किया जाएगा। क्या बोल रहा भाई, आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त अभिलेखनों एवं आपके शारीरिक, अच्छा आपका फिजिकल टेस्ट भी किया जाएगा, है ना, ये सब चीज़ें तो था ही। फी कितना फी लगेगा, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की काउंसलिंग में प्रोस्पेक्टस इतना 30 से 32 पर की गई है। अच्छा, प्रोस्पेक्टस हम तो वीडियो बना ही चुके हैं, 30 से 32 में दे रखा है। कितना पैसा लगेगा, तालिका अनुसार सिरिचित जमा किया आवश्यक है। ओके, हॉस्टल सहित फी कितना लगेगा, सारा ज्यादा रुपया पैसा फिर देख रखा है भाई। बीबीएससी फ्री सीट फॉर बेगर हॉस्पिटल, ए हॉस्पिटल देख लेना भाई, पेमेंट सीट का लिए कितना पैसा लगेगा, हर एक सीट का पैसा दे रखा है। ठीक है।